people. चलो भाई, वीडियो वीडियो चल रही है। अरे कोई जरूरी थोड़ी है, वन रुपी वो तो एक सिंबॉलिक होता है। बजाने के लिए बड़ा ऊंची है, कैसे बजता है? लंग्स पूरा, तेरे सिगरेट इधर पी रखी है साले, कहाँ से आ गए तो लंग्स नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, ये किसी का नहीं है। हो गया भाई साहब, चलो ये बर्फ भी नहीं बंद हो गया, क्या चीज़ है? डैडी, हाँ जी, मैंने आज बंद करी। ये जस्ट मैं बंद करा। तू तो बहुत सच चीज देगा आगे है। ये जो है ना, ये रावत है, ये पानी बोतल अगर ये हमारी है, हनी ये अगर स्पिरिचुअलिटी की तरह जावे ना ये तो भाई साहब एकदम, ये तो 6 महीने में पक्का सिद्ध हो जाएगा। मजाक नहीं कर रहा, सिद्ध पुरुष ये तो बात है, जाएगा अंदर बड़ी ताकत है इसके अंदर। पता है क्या सर, ये जाएगा, इसका टाइम आएगा जब इसकी जिम्मेदारियां नहीं सिद्ध है। पर वो तू अपना वो काम कर ले सिद्ध सर। ये है बहुत सिद्ध है कलवा विनायक की फैमिली। हम लोग नीचे बागोबसा से यहाँ पहुँचे तो हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही थी, क्योंकि जो गृहस्थ आश्रम भी अपने ये हमारे बहुत बड़ा आश्रम है। टीम मेंबर एक दूसरे को भाषण देते हुए, अब हमने यहाँ आगे जाना है बागोबसा के लिए। अंदर की भी लेना उसकी, चारों तरफ हाँ बादल छाए हुए हैं, हल्के हल्के की स्नोफॉल हो रही है। यह है आने का रास्ता, कालू विनायक तक बड़ी स्टीप जो है चढ़ाई है, तकरीबन 2 घंटे की। और यहाँ पर आती स्नोफॉल भी जो है जरा कम हो गई है, रुक गई है। यह है कालू विनायक का मंदिर। कहते हैं यहाँ पर भगवान शंकर ने गणेश जी का गला काट के उन पे हाथी का सिर लगाया था, ऐसी कहानी है। अभी हम लोग इस तरफ जाएंगे। ये है कलवा विनायक के बारे में आगे बोर्ड लगा पूरा इन्फॉर्मेशन। कलवा विनायक 14,202 फीट की हाइट पे, यहाँ से भगवावासा 3.5 किलोमीटर, जो कि हमारा अभी करंट डेस्टिनेशन है। रूपकुंड 6.5 किलोमीटर और चुनार गली 6.9 किलोमीटर। ये क्या है भाई? जय कलवा विनायक, जय कलवा विनायक। और ये चारों तरफ देखिए बादल छाए हुए हैं, बड़ा ही अद्भुत सुंदर विहंगम दृश्य।
स्नोफॉल बंद हो गई, स्नोफॉल बंद हो गई है, मंदिर में पूजा अर्चना होते ही। ओके जी, थैंक यू।